बहराइच जिले के नानपारा लखीमपुर मार्ग पर राय बोझा में 3.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया है। 1.5 महीने पहले ही इस पुल से आवागमन शुरू किया गया। बुधवार शाम को पुल एक साइड में धस गया। पुलिस प्रशासन की ओर से पुल पर ईंट रखकर व पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर आम लोगों को सचेत किया जा रहा है। ऐसे में पुल निर्माण करवाने वाली संस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नानपारा लखीमपुर मार्ग पर मोतीपुर तहसील के राय बोझा में 3.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण 2 माह पूर्व किया गया है। अगस्त में पानी अधिक होने पर वैकल्पिक रास्ता पानी में बह गया था, जिस पर लगभग 1.5 माह पूर्व पुल से आवागमन शुरू किया गया। बहराइच और लखीमपुर जनपद के लोग आसानी से आवागमन कर रहे थे। बुधवार शाम को पुल का एक हिस्सा नीचे धंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों के बीच हड़कंप मच गया। तहसील के साथ पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर मोतीपुर थाने के पुलिस पहुंची, तहसील के अधिकारी भी पहुंचे। काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुल पर एक क्षेत्र में ईंट लाकर आवागमन के लिए सचेत किया गया है। लोगों को आशंका है कि कहीं पुल और नीचे ना धंस जाए, जिससे आवागमन खतरे में पड़ जाए।